नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अगर अर्जेंटली ट्रेन के माध्यम से सफ़र करना है, यानी कि कोई आपका कहीं अर्जेंट काम पड़ गया और आप चाहते हैं कि ट्रेन से सफ़र करें, तो ट्रेन से सफ़र करें और अर्जेंटली है तो ऑब्वियसली आपको कन्फर्म टिकट मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती है, तो कन्फर्म टिकट तो नहीं मिलेगा। लेकिन आपको जल्दी जल्दी में जाकर डायरेक्टली ट्रेन पकड़ना है और आप अगर टिकट नहीं लेते हैं टिकट काउंटर से, तो फिर आप लोग सख्त में पड़ जाते हैं कि अरे यार, अब टीटी मिलेगा तो फाइन लगाएगा और काफ़ी ज़्यादा पैसा चला जाएगा। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी डरने सहमने की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको कहीं से कहीं जाना है, यानी कि दिल्ली से आपको मान लो पटना जाना है, तो आप किसी भी ट्रेन में घुस जाइए और किसी भी ट्रेन में घुसने के बाद आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप उस एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से पता कर सकते हैं, चलते ट्रेन में पता कर सकते हैं कि आखिरकार इस ट्रेन में कौन सी बोगी में सीट खाली है। चाहे वो स्लीपर क्लास हो सकता है, फर्स्ट क्लास हो सकता है एसी का, सेकेंड क्लास हो सकता है, थर्ड क्लास हो सकता है, और उस ट्रेन नंबर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आखिरकार इस ट्रेन में कौन से क्लास में, कौन से कंपार्टमेंट में सीट जो है वो खाली है। यानी कि चलती ट्रेन में आप चढ़ गए तो अब आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप चेक कर टीटी से डायरेक्टली जो है वो आप टिकट ले सकते हैं। कैसे चेक करना है, कौन सी वेबसाइट है, वहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से चलती ट्रेन में आप जो है कन्फर्म सीट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको यहाँ पर IRCTC रेल का ऑप्शन आ रहा है, IRCTC रेल का ऑप्शन जो आ रहा है, आपको इसका ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही ऐप आप डाउनलोड करते हैं, आपको इस तरीके का जो है इंटरफेस खुलता है, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस खुलता है तो आप ऊपर देख सकते हैं कि एक ट्रेन का ऑप्शन आता है, यहाँ पर ट्रेन का ऑप्शन आता है, ट्रेन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ट्रेन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस तरीके का आ जाता है, ठीक है, ट्रेन का। इसके अलावा नीचे जो है चार्ट वैकेंसी का ऑप्शन आता है, तो चार्ट वैकेंसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही चार्ट वैकेंसी पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलता है और यहाँ पर आपको ट्रेन नंबर डालना होता है। तो ट्रेन नंबर डालना है तो मैं मान लो कोई ट्रेन डालता हूँ, ट्रेन का नंबर जो है वो आपको मैं डाल दूँ यहाँ पर, तो ट्रेन का नंबर है 20802, यानी कि इस ट्रेन का नाम है मगध एक्सप्रेस और आज डेट है 15 तारीख। बोर्डिंग स्टेशन कौन सा है, तो बोर्डिंग स्टेशन मान लो न्यू दिल्ली से ही पकड़ना है आपको, न्यू दिल्ली बोर्डिंग स्टेशन से आप कोई भी डाल सकते हैं। यहाँ पर गेट ट्रेन चार्ज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन जो है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंजन है, H1 है, H2 है, यहाँ पर जो है आपको कई सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही है। हालाँकि इसमें जो है कोई भी सीट खाली नहीं है, ना ही थर्ड एसी में है, ना ही फर्स्ट एसी में है, ना ही किसी भी एसी में है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप मान लो, मैं एग्जांपल के तौर पर इसी ट्रेन का डालता हूँ 2080 2, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको चेंज कर देता हूँ, कौन सा रेलवे स्टेशन चेंज कर दूँ, मैं फिरोज़ाबाद कर देता हूँ। फिरोज़ाबाद से मैं अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर आ सकता है, देख सकते थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, स्लीपर क्लास में देखता हूँ। स्लीपर क्लास में जब मैं देखता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इटावा से कानपुर तक में खाली है S4 में 71 बर्थ, और यहाँ पर जो है आप बुक भी कर सकते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, हालांकि टीटी से बात करना पड़ेगा। यहाँ पर अलीगढ़ से टुंडला तक में खाली है, न्यू दिल्ली से प्रयागराज तक में खाली है, इटावा से कानपुर सेंट्रल तक खाली है। तो ये कहाँ से कहाँ तक खाली है, कौन सी क्लास में खाली है, स्लीपर में, कौन सी बोगी में खाली है, कौन सी सीट है, कौन सा बर्थ है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप पता कर सकते हैं। ऐसे ही थर्ड एसी का भी चेक करना चाहते हैं तो न्यू दिल्ली से अलीगढ़ बी में बी, वैसे करके आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, देख लिया आपने जो जो मैंने प्रोसीजर बताया, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करें, ट्रेन नंबर डालें, ट्रेन नंबर फाइंड आउट करने के बाद थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और स्लीपर क्लास का ऑप्शन आएगा, वहां पर क्लिक करेंगे तो किस स्टेशन के बीच में, किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच का टिकट खाली है वो आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर वो सारी चीज़ें आपको मिल गई है तो जो वहां पर ट्रेन में TC अवेलेबल होते हैं उनसे आप संपर्क करें, उनको लिस्ट दिखाएं कि भाई ऐसा है, तो वहां से आप जो है सीट ले सकते हैं और जो किराया होता है वो आप फेयर दे सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टिकट नहीं है, आपको अर्जेंटली कहीं सफ़र करना है, तो आप किसी भी ट्रेन में घुसकर इस तरीके की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर आप टिकट लेकर
आराम से जा सकते हैं। तो एक अपडेट था, कई लोग जानना चाहते थे, कई लोग नहीं जानना चाहते थे। एक बात का और भी ध्यान रखना है कि ट्रेन फाइंड आउट तभी करना है जब मान लो कि कभी लोग ट्रेन में घुस जाते हैं, कई लोगों को पहले ही पता करना होता है। तो ट्रेन अगर खुल गई है, ट्रेन का चार्ट बनने में जो 2 घंटा चार्ट बन गया है, तो उस ट्रेन का अपडेट आ जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अपडेट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया पिंटो को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ी रहिएगा। बाकी अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।